हेलो दोस्तों, चलिए आज सीखते हैं कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट। आज हम स्क्वायर अर्थात वर्ग करना सीख रहे हैं, वर्ग करना सीख रहे हैं। वह संख्या का जिनका इकाई अंक 5 हो। देखिए कैसे कैलकुलेशन करना है। देखिए मौखिक हम कर सकते हैं, पहला 5 का वर्ग है, उसके बाद 15, 25, 35, 35, उसके बाद है आपका 45, ठीक है। इधर देखिए 45 के बाद आपका 55, 65, 75, 85, 95 और ये हुआ आपका 105, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करना है 25, और 15 में 15 का मल्टीप्लाई करना, या हम ये बोल दें कि 15 का वर्ग करना, या को कभी भी एग्जाम में ये दे दें कि एक ही संख्या का जिनका इकाई अंक 5 से आरंभ हो, दोनों एक जैसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वह एक प्रकार का वर्ग ही है। देखिए देखिए इसका क्या करना है, पहले 5 का वर्ग आपको लिख देना है दो अंकों में 25, और जो दहाई का अंक है उसका अगला अंक जैसे 1 का अगला अंक क्या होता है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और आंसर आपका हो जाएगा। देखिए दो अंकों में लिखना है, 25 का वर्ग बताना है, 5 का, यहाँ 5 का वर्ग आपका क्या होता है, 25 होता है, फिर 2 का नेक्स्ट नंबर 3 होता है, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर देखिए 25 होगा, ठीक है, दो अंकों में लिखना है, इसका नेक्स्ट नंबर 4 होता है, 4 3 12, मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट नंबर से। दहाई के अंक का नेक्स्ट नंबर अर्थात उसके आगे वाली संख्या से गुना करना है। देखिए इसका क्या होगा, 25 तो होगा ही, और 4 के आगे क्या होता है, 5 होता है, 4 के बाद 5 होता है, तो 4 और 5 का गुना कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इधर देखिए कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर इसका 6 होता है, तो 6 5 30। इसी प्रकार ये हुआ आपका 25, ये हुआ 6 के आगे वाला अंक क्या होता है, 7, तो 7 6 42। यहाँ देखिए 25 और 8 ही 7 ही 56, यहाँ देखिए 25 दो अंकों में लिख रहे हैं, फिर 8 का मल्टीप्लाई 9 से, 9 8 72, यहाँ देखिए 25 तो होगा ही होगा, और 9 का अगला अंक क्या होता है, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई 90, यहाँ पे देखिए 25 तो होगा ही, 10 का अगला अंक क्या होता है, 11, तो 11 110, यह हो गया आपका आंसर। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब अंक बड़े होते जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड लगेगा, परंतु उसको गुना कैसे करना है जल्दी, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।